ऐसो पंचण मोकारो सब पाव पड़ासनो मंगलान च सब वेशि पढ़म हवई मंगल पढ़म हवई परम पावन परम आराध्य परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाशमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की ये विशेष क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज दशहरा या विजयादशमी का दिन, सभी को आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामना। हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। दशहरा पर्व हम सभी मनाते हैं। दशहरा हमें क्या संदेश देता है हम सभी जानते हैं। दशहरा पर्व है वो बुराई के ऊपर सच्चाई अच्छाई अच्छी की जीत, अच्छाई की जीत। और जिस तरह रावण को दहन किया जाता है तो हमारे अंदर भी रावण रूपी राग द्वेष कषाय कितने हैं हमारे अंदर छुपे हुए, तो उनका दहन हमें करना चाहिए। आज का दिवस हमें यही संदेश देता है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा सत्र आयोजन करने जा रहे हैं। और आज हमारे साथ सुरेखा जी कटारिया पुणे से जुड़ी हुई है, एक जानी मानी प्रोफेसर समाज सेविका। तो मैं अलका जी शाखला से निवेदन करना चाहूंगा। अलका जी, पहले आप सुरेखा जी का संक्षिप्त परिचय दें और उनके पास बाद उन्हें आमंत्रित करें आज के चर्चा सत्र के लिए। और आज का जो हमारा सेशन है आप प्रारंभ करें। ओम अरहम। अलका जी अपने आपको अनम्यूट कर लीजिए। यस, जय जिनेन्द्र। सबको गुड मॉर्निंग। सबके वीडियो ऑन कर दीजिए। यस सुचिता जी, वेरी गुड। विजयादशमी, यस, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वी आर द टॉप इन द वर्ल्ड, क्योंकि हम रोज योग कर रहे हैं, हम रोज प्रेक्षा ध्यान कर रहे हैं, सो वी आर द हैप्पी, वेरी गुड, यस, वेरी गुड, यस। आज की प्रसन्नता आनंद के साथ विजयादशमी और दशहरा। आनंद भाई जी ने बताया हमें हमारे अंदर के रावण को निकालना है और उसके लिए हमें अच्छे अच्छे मार्गदर्शन और एक प्रोफेसर आज जुड़ी है। तो देखिए, एक प्रोफेसर हमें आज कुछ बताएगी। शिक्षिका तो मतलब प्रोफेसर होना बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग प्रोफेसर होते हैं, परंतु प्रोफेसर के साथ क्या क्या है ये सब भी हमें देखना है। सच बात तो ये है कि सुरेखा जी का नाम जैसे सुरेखा है वैसे वो सुरेख विचारों से भरी हुई है और इनके पास इतनी सारी बातें हैं कि मैं इनके बारे में परिचय करा करने के जाऊंगी तो पूरी ये क्लास भी पूरी हो जाएगी और अपना परिचय भी पूरा नहीं होगा। और आनंद भाई जी मुझे हमेशा डांटते हैं
परिचय संक्षिप्त में दो, उनको ज्यादा टाइम दो, उनको हम सुनेंगे। फिर भी ऐसे व्यक्तित्व का परिचय नहीं देना भी, मतलब पूरा बताना नहीं भी बहुत मुश्किल होता है, परंतु आज का विषय इतना सुंदर है। एक्चुअली बहुत बिजी रहते हैं, इतना काम चलता है इनका, परंतु आज का विषय सुनने के बाद वो नकार नहीं दे सके, बोले वाह क्या अच्छा विषय है, इतना अच्छा। एक तो विजयादशमी, नवरात्रि के 9 दिन, और उसके कंपैरिजन जैन धर्म से करना, रावण को निकालना अंदर से, वाओ बहुत खुश हुए। और इस सब्जेक्ट के लिए वो बहुत तैयार हो गए, इसीलिए सबसे पहले तो हम उनको वेलकम करते, वेलकम, मोस्ट वेलकम सुरेखा जी, वेलकम वेलकम एमपी के फिटनेस केंद्र और कल्याणम योग केंद्र आपका सहर्ष स्वागत करता है। तो आज का विषय बहुत ही सुंदर है, क्योंकि नवरात्रि हम देखते ही है कि देवी की कैसी आराधना होती है, देवी की कैसी पूजा होती है, उसके बारे में हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि क्या पूछते हो हमारी पहचान, क्या पूछते हो हमारी पहचान, ये तो बताओ कौन है मुझसे अनजान, ये तो बताओ कौन है मुझसे अनजान। अरे लक्ष्मी बिना तो बढ़ती नहीं तेरी शान, सरस्वती का है कितना अपना मान, और दुर्गा का है अपना विशिष्ट स्थान, ये वाह बताओ कि कहाँ नहीं है मेरा नाम, कहाँ अनजान नहीं है, कोई हमसे अनजान नहीं है। मेरे बिना मैं नहीं होता तो तू कहाँ से आता, मैं नहीं होता तो तू कहाँ से आता, मैं नहीं पढ़ाती तो तू कैसे बढ़ता बड़ा होता, तू ये तो बता। हम बताते नहीं अपनी पहचान, पर कौन है हमसे अनजान। माँ बिना तो हिलता नहीं घर का पत्ता, घर पर तो पूरी माँ की ही सत्ता, हमारे बिना तो हिलता नहीं तेरा पत्ता, घर पर तेरा माँ की ही सत्ता। दादी कितना करती है प्यार, बहन बिना बताओ कैसे करता तू राखी का त्योहार। क्या तो बात है, ऐसी बहुत ऐसी ऐसी मेरी कविता है कि कौन है मुझसे अनजान। सुंदर। बहुत सारी बातें मैं महिलाओं के लिए बताती हूँ, अभी भी देखिए जुड़े हुए लोगों में भी देखो, इधर देखो नारी, उधर देखो नारी, घर की केंद्र बिंदु होती है नारी, सब कुछ होती है नारी। तो ये नारी मतलब एक शक्ति है, और ये नवरात्रि की पूजा शक्ति से होती है। और जैन धर्म भी क्या है, पुरुष पुरुषार्थ करो, बस यही बोलता रहता है कि पुरुषार्थ करो, तो यही शक्ति है, वो शक्ति अंदर से बाहर लानी है। और आनंद भाई जी रोज प्रार्थना तो कराते ही है हमें लास्ट में एंड में, कि सब कुछ अंदर है, चैतन्य अंदर है, अनंत आनंद अंदर है, अनंत शक्ति अंदर है, बस उसको बाहर लाने का अनुभव करना है। और ये करने के लिए आज हमें जानना है सुरेखा जी से कि कैसा जीवन होना चाहिए, कैसी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। और इनका तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इनका परिचय मैं बताऊं कैसे हुआ मेरे से, बहुत साल पहले, 30-35-30 साल पहले की बात होगी मुझे लगता है। ये मैगजीन चलाती थी, उस टाइम मैं इनसे मिली नहीं थी, पर पुणे में मैं किसी के घर गई, वो मेरे फ्रेंड रिलेटिव है कटारिया ही करके, तो उनके घर पे मैंने वो मैगजीन पढ़ी हुई देखी, यार देखो महिला ने लिखी है, ये संस्थापक है, कौन नाम है, सुरेखा कटारिया, वाओ। उसी दिन मेरे दिन में उनके लिए एक स्थान पैदा हुआ कि वाओ ऐसी कोई महिला है कि जो मैं उस जमाने में 30 साल पहले, मैं आज तो कोई भी उत्तर मैगजीन चालू करता है, पर 30 साल पहले मैगजीन चालू करना बहुत बड़ी बात थी। तब तो परिचय हुआ, और लास्ट ईयर देखिए कैसे संयोग होते हैं, लास्ट ईयर इन्होंने बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट किया, और वो मुझे लगता है बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट था, अलग प्रोजेक्ट था, डिफरेंट था, और शायद इंडिया में, मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी सुरेखा जी, शायद भारत में ये पहला प्रोजेक्ट होगा। इन्होंने क्या किया, पूरे भारत की एक एक महिलाओं को ढूंढ के लाया, अच्छी महिला जो बहुत कार्यरत है और जो अलग काम करती है, और बहुत सारे अपनी लाइफ सेवा में दे चुके हैं, काम कर चुके हैं, ऐसे 9 महिलाओं को ढूंढ के 9 रात्र उनको बुलाया ऑनलाइन, और सबको परिचय करा दिया, और इनको नारी रत्न पुरस्कार दिया। तो एक बार ओ मरहम करे, इतना बड़ा काम करने के लिए ओ मरहम, और सद्भाग्य से उन्होंने उस टाइम मुझे भी चुना था, और लास्ट ईयर मुझे नारी रत्न पुरस्कार उनसे मिला। और इतना सुंदर प्रोग्राम, इतना अच्छा प्रोग्राम का आयोजन, तब से मुझे लगा कि एक बार इनको अपने यहाँ तो बुलाना है, लास्ट ईयर से मैं सोच रही हूँ। तो योग अभी आए, अब इनका परिचय मैं क्या दूं, प्रोफेसर है ये तो मैंने बता ही दिया,
पर देखिए मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगी और फटाफट बताना चाहूंगी इनके बारे में। तो देखिए ये है सुरेखा जी कटारिया, एमए किया है, बीएड किया है। ये उप प्राचार्य कहाँ है, भारतीय जैन संगठन माध्यमिक उच्च पिंपरी महाविद्यालय में। और सामाजिक कार्य तो इनके देखते ही रहिए, मैं फटाफट बोल दूंगी खाली। ऑल इंडिया कटारिया फाउंडेशन की विश्वस्त है, ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस पंचम जोन महाराष्ट्र की ये अध्यक्षा है। और फिर तो अध्यक्षा वो आनंद मंगल की है, सचिव आनंद मंगल की है, वो कार्यकारिणी सदस्य भारतीय जैन संगठन, अनेक जगह ये संस्थापक है। देखो संस्थापक है वो आनंद कोऑपरेटिव बैंक की, संस्थापिका संचालिका है जैन माध्यमिक विद्यालय पद संस्था की। तो इस प्रकार ये एक संचालिका का काम करती है गौतम स्मृति फाउंडेशन के रूप में, इसमें स्त्री साहित्य का एक वो काम कर रही है बहुत बड़ा, इसके लिए भी हमारी बात हुई थी, पुणे न्यायालय में भी ये काम करती है। तो इस प्रकार इनके इतने सारे काम चलते रहते हैं, इतने सारे काम चलते रहते हैं इनके। तो इनके बारे में मैं शॉर्ट में इतना बताऊंगी कि देखिए ये बहुत जगह संस्थापक है, ये कहानियां बताती है, कथा कथन महाराष्ट्र में बोलते हैं इसको, जिसको हमारे हिंदी लोगों में कथा कथन परिचित नहीं है सुरेखा जी, परंतु ये बहुत सुंदर स्वामी विवेकानंद, कर्मवीर भौरव पाटिल, सावित्री फुले पर बातें करती है। एक पात्री प्रयोग, एक ही व्यक्ति पूरा ड्रामा खुद ही करती है, और इनके 1000 से ज्यादा कार्यक्रम इसके हुए हैं। देखो कितना इजी नहीं है 1000 कार्यक्रम करना। और फिर इनके काव्य संग्रह है, इनके पुस्तकें हैं, देखिए आनंद यात्री करके मैगजीन चलाते हैं, ये गम्मत जम्मत करके बच्चों के लिए पुस्तकें, और बड़ी बात है कि ये कीर्तन आयोजित करती है, और ये कीर्तन जगह जगह इनके कीर्तन भी होते रहते हैं। तो ये ऐसी एक महिला है कि जो इतने सारे क्षेत्रों में जुड़े, और इसका इतना काम होगा तो अनेक पुरस्कार तो मिलेंगे। तो इतने सारे पुरस्कार इतना वर्णन तो मैं नहीं करूंगी, परंतु भारत सरकार नवी दिल्ली की तरफ से उनको कर्तृत्ववान महिला पुरस्कार, पिंपरी चिंचवड़ से आदर्श शिक्षक पुरस्कार, साहित्य परिषद से प्रेरणा पुरस्कार, जिजाऊ पुरस्कार, कर्तृत्ववान महिला पुरस्कार, आदर्श महिला, आदर्श भूषण पुरस्कार, पता नहीं इनको कितने 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 पुरस्कार। और दूरदर्शन पर अप्रैल आकाशवाणी पर इनके प्रोग्राम चलते रहते हैं, और इनके प्रोग्राम कहाँ नहीं होते हैं, हर जगह इनके कार्यक्रम होते रहते। ऐसा प्रसिद्ध व्यक्तित्व आज हमें मिलना, ये हमारे सौभाग्य की बात है। विजयादशमी की एक अच्छी गिफ्ट है हमारे लोगों के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि हम सुरेखा जी से सुने, उसके पहले ये बात हमें जाननी है कि रावण को जो बात हम लोग बार बार दोष देते हैं, रावण इतना बुरा था, रावण ऐसा था, परंतु रावण भी कुछ कहता है। एक कविता मुझे बहुत सुंदर सुरेखा जी ने सेंड की, बहुत अच्छी लगी मुझे, कि रावण जो बात कहता है, रावण भी कुछ कहता है, वो भी आपको आज सुनना है। वो कविता बहुत सुंदर है मराठी में, पर मैं उसका हिंदी बताऊंगी आपको। और सुरेखा जी ने इतने अच्छा सार रूप में मुझे ये बात आज सच्चाई लगी, आज की सच्चाई, तो वो भी हम जानने वाले कि रावण क्या कहता है। अभी आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि रावण, और सुरेखा जी हम कविता बोलने से पहले लोगों को पूछेंगे कि रावण क्या कहता है। हम लोगों से बातें करते हैं तभी तो मजा आता है, लोग फिर सोचते कहाँ तक, फिर उनकी सोच वहां तक नहीं पहुंचती है ना, तब मुझे वो बताने में बहुत मजा आता है। तो हम वो कविता भी बताएंगे, और हमारे अंदर जो राग द्वेष है वीतराग बनना है। तो लास्ट में इतना बताऊंगी कि महात्मा गांधी जी हमेशा कहते थे कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा। तो आश्चर्य लगता था लोगों को, अरे लोग कोई कह सकता है मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा? पर गांधी जी को पूछा, आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि आप बीमार नहीं पड़ोगे? क्योंकि वो कहते हैं कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा, इसका कारण मैं वीतराग की साधना करता हूं। और वीतराग कौन होते हैं? जो राग द्वेष को जीतते हैं वो होते हैं वीतराग। और जो वीतराग होता है, कोई वीतराग कभी हार्ट अटैक नहीं आया किसी भी वीतराग को, किसी भी को हमारे बीमारी नहीं हुई, कोई भी ऐसे हॉस्पिटलाइज नहीं हुए, तो गांधी जी कहते कि जिसका भाव वीतराग का है वो कभी बीमार नहीं हो सकता। वही है प्रेक्षा ध्यान। आज हमें एंड में 5-10 मिनट सुरेखा जी उसका प्रयोग भी करवाना है प्रैक्टिकल, तो आप अपने कार्यक्रम के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ एमपी के फिटनेस केंद्र, कल्याणम योग केंद्र, और हमारे रोज के उपस्थित
थोड़े मेंबर है पर दिन भर हमारा यूट्यूब इतना घूमेगा, बहुत सारे लाइक आते हैं, तो उसके लिए हम आपको मोस्ट वेलकम करते हैं सुरेखा जी, मोस्ट वेलकम टू एवरीवन इज वेटिंग फॉर यू ईगरली टू लिसन अबाउट एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। ओम अरहम। ओम अरहम। ओम हरम। धन्यवाद सही, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही मेरी? जी यस बिल्कुल। आज नवरात्र का ये आखिरी दिन, आखिर दशहरा, इस पावन दशहरा के दिन पर सुबह सुबह आप सबको मिलने का मौका हमें हमारे भाई आनंद जी और हमारी अलका जी के माध्यम से हमें ये प्राप्त हुआ, ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, ये बहुत ही बड़ी बात है। पीएम के फिटनेस क्लासेस नागपुर एवं कल्याणम योगा केंद्र सूरत, इन्होंने दशहरे के दिन रखा हुआ ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण तो है। अपने मन के अंदर जो राग द्वेष रूपी जो रावण बैठा है उसे हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आज की परिस्थितियां कैसी है और हम क्या करना चाहिए इसके बारे में, और क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में हम ये इसके बारे में सोचेंगे, हम चर्चा करेंगे, एक दूसरे के साथ बात करेंगे। ये सेशन हमारी बहना अलका जी सांकला बहुत हर हुनर व्यक्तिमत्व हर एक को अपना करके बराबर दूध में शक्कर डाले तो शक्कर दिखती नहीं, उसकी वो दूध ही बहुत मीठा बन जाता है। उसी तरह हर एक का जीवन मीठा बनाने हेतु काम करने वाली हमारी बहना, आज हमारे आनंद जी सेठिया के साथ बात करनी। देखो बात छोटी, इतने बड़े आदमी, लेकिन रात को फोन, सुबह में फोन, ताई जी उठे क्या और अभी आपको जुड़ना है, ये बहुत बड़ी बात है। ये अभी के जो नए पीढ़ियों के लिए ये जो अपना वर्क ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली आपने हमारे सामने जो रखा है, हम हमारे बच्चों को भी बोलते हैं। तो फिर ये हमारे आनंद भाई साहब ने जो हमें जगाया, तो हम तो पहले ही जग गए थे, लेकिन उठा के बोल के तई आपको 6:15 बजे बराबर जुड़ना है, मैं बोली नो प्रॉब्लम बराबर हम आ जाएंगे। तो मैं पहले आप सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि आज का जो दिन है कि हिंदू धर्म और जैन धर्म में नवरात्र दशहरा का ये पवित्र दिन कहा जाता है। ये दशहरा उसकी बहुत मान्यता है। हमारे जैन रामायण में जो देखा तो जैन रामायण में जो विसावे तीर्थंकर मुनि सूरज जी स्वामी और हमारे मैंने जो पढ़ा, मैंने जो जैन रामायण में सुना, तो उसके बारे में आपके सामने रखना चाहती हूँ कि जैन रामायण में विसावे तीर्थंकर मुनि सूरज जी के साथ समकालीन ये हमारा रावण का विचरण था, समकालीन थे रावण और वो जैन श्रावक थे। रावण ये जैन श्रावक थे, अष्टपद भगवान की आराधना करते थे और ये आराधना जब करते थे भक्ति में लीन होते थे। एक बार अष्टपद की आराधना करने लगे और भक्ति में इतने लीन हो गए उस भक्ति में लीन होते हुए उनके साथ उनकी मंडोदरी जैसे मीरा ने झूमते हुए अमृत का जो प्याला पिया, विष का जो अमृत समझ के पी लिया, झूमते उठी नाचते उठी भक्ति से इतनी ओतपोत भर गई, उसी प्रकार मंडोदरी भी क्या कर रही थी, राम रावण के साथ में क्या कर रही थी, भक्ति भाव कर रही थी, अष्टपद की भक्ति कर रही थी, अष्टपद की भक्ति और भक्ति में लीन रहती थी। लेकिन भक्ति में लीन रहते रहते वो जो रावण बजाता था कि जो उसकी नस टूट गई, तार छेड़ गई, टूट गई, तो उन्होंने बोलते अपने पाव की नस निकाल के वहां बिठा दी और वो भक्ति में विघ्न नहीं आने दिया, बाधा नहीं आने दी और वो भक्ति से ओत प्रोत भरी और उसकी वजह से एक कर्म से वो 14वें बोलते तीर्थंकर गोत्र उन्होंने बांधा। इतने भक्ति में लीन रह गए कि तीर्थंकर गोत्र बांधा और 14वें भाव में मुक्त होकर तीर्थंकर बनेंगे, ऐसे हमारी जैन रामायण की मान्यता है। बराबर है ना अलका जी? आपके इतना तो मैंने पढ़ा नहीं है पर सुना है कि रामायण में बहुत सारे जैन रामायण में
ऐसी बातें वो हाँ हाँ ऐसे राम ऐसे जो तीर्थंकर बनने वाले हैं उनको हम हर साल जला रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? वो भी भक्ति में झूमी थी, नाची थी, कूदी थी, लेकिन अभी हम कहाँ है ये सोचने की बहुत जरूरत है। ये पवित्र पावन रहने वाला ही नवरात्र का दिन, क्योंकि हिंदू धर्म में नवरात्र दशहरा ये बहुत पवित्र दिन, हमारे जैन धर्म में भी पवित्र दिन कहे जाते हैं। ये साधना के लिए, मंत्र साधना के लिए अति महत्वपूर्ण ये दिन है। इस दिन श्रावक श्राविका गुरु गुरुनिसा संत सतिया ऋषि मुनि ध्यान धारणा करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, मौन रखते हैं। हमारे मंजूषी जी महाराज साहब का अभी मौन है और 3 दिन का ये मौन लगातार रहते हुए अभी आज वो महामंगलिक का आज ये दशहरे के दिन महामंगलिक देंगे। और इस दशहरे की शुरुआत ऐसे आध्यात्मिक ढंग से करते हैं। ये नवरात्र पर्व, दिवाली पर्व, हमारी एम्बी लोली ये जो मनाई जाती है, ये अंदर बसे हुए जो मोह माया क्रोध को निकालने हेतु अपने अपने खुद को अध्यात्म की ओर लेके जाने वाला ये पर्व है। हिंदू धर्म में नवरात्र के ये प्रसंग देवी माँ की उपासना की जाती है। नवरात्र के पवित्रतम दिन कहे जाते हैं। औसत चैत्र महीने में जो आता है साधना के लिए, मंत्र साधना के लिए, ब्रह्मचार्य के लिए, और उसी तरह इष्ट सिद्धि प्राप्त करने हेतु ये पर्व मनाया जाता है। अंतरतम की शक्तियां जागृत करने के लिए, अच्छा कोई हासिल करने के लिए ये पर्व मनाया जाता है। इसीलिए साधना करते हैं और ये साधना करते हुए, लेकिन अभी जो देखा हम देखते हैं तो अंतर मन हिल उठता है। हमारे समझदार हिंदू, समझदार जैन श्रावक श्राविक संत सतियों श्रावक श्राविकाओं को इन दिनों में साधना में बैठते हैं, मौन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, आगे बढ़कर शक्तियों को साधते हैं, देवी मात की आराधना करते हैं। ये आराधना करते हुए भी क्या घट स्थापना होती है हिंदू में, घट बिठाते हैं, एक बाजू महिलाएं बैठती थी, एक बाजू पुरुष बैठे थे, सामने देवी माँ का मंदिर रहता था, देवी माँ स्थापन करते थे, अरे बैठते थे, भक्ति में लीन होते थे, हाथों से गरबे लेते थे, हाथों से झूमते थे, नाचते थे, तल्लीन होते थे। लेकिन अभी देखा गुजराती स्टाइल में दांडिया आ गई, और गुजराती स्टाइल में दांडिया आ गई, बहनों ने खेलना शुरू किया, वो ठीक है, भाई खेलना शुरू किया, एक तरफ बहने खेलती थी, एक तरफ भाई खेलते थे, आनंद भैया जो समाज में मैं देखती, आनंद भैया सुन रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, आनंद भैया की आवाज नहीं आ रही आपकी, आप सुन रहे हो ना? जो मैंने समाज में देखा है, अभी का चित्र आपके सामने रखवा जा रही हूँ, कि जो गुजराती स्टाइल की दांडिया थी, बहनों खेलते थे, एक बाजू पुरुष खेलते थे, खान पान का ध्यान रखते थे, उपवास तपस्या करते थे, अभी भी नवरात्र के उपवास करते हैं, हमारे में एम्बिल ओली करते हैं जैन समाज में, तभी भी आती है यहाँ एम्बिल ओली, यहाँ नवरात्र की उपवास, यहाँ शरीर को जलाना, जला के शरीर के और आत्मा को प्रज्वलित करने का काम ये नवरात्र एम्बिल ओली करती है। उस दिनों में कोई शराब नहीं पीता था, कभी गुटखा नहीं खाता था, इतना भी क्या कभी चाय भी नहीं पीता था। हमारे यहाँ तो विगय का त्यागी है रहता है एम्बिल में, विगय कौन सा, दूध दही तेल ये कुछ नहीं, हम ऐसे 5 विगय को ध्यान में रखते हुए हम हमारा एम्बिल तप की आराधना करते हैं और करते रहे हैं। तो अलग अलग पति पत्नी भी घर में रहे ना तो उनका शयन अलग रहता था, अभी भी है, करने वाले करते हैं, क्योंकि ये पवित्रतम नवरात्र की ये दिन भक्ति करके देवी माँ को प्रसन्न करने का, आराधना करने का ये पर्व है, ये ब्रह्मचर्य पालने का पर्व है,
ये शुद्धता प्राप्त करने का पर्व है। इतने सारे भोग विलास के बीच में, इतने सारे विषय वासना के बीच में हम कोशिश करते हैं कि इस दिन में हम पवित्र कैसे रहे, हम कैसी आराधना कर सके, उस दिन पवित्र का साथ बिताए, माता जी का सानिध्य प्राप्त हो हमें। इसीलिए शक्ति संपन्न बनने के लिए, आशीर्वाद सफल होने हेतु ये नवरात्र का पर्व का व्रत रखे जाता है। गर्भे गए, दांडिया आई, दांडिया आने के बाद दांडिया भी चली गई और फिर डिस्को आने लगा, डिस्को पे डांस करने लगे। देखने में शर्म आती है वो कपड़े देख के भी, नए नए गाने वाले आ गए और कई कंपनी आ गई, कई संस्थाओं ने इसका धन कमाना इसे शुरू करवा दिया। बहुत बहुत बड़े बड़े संस्थाएं क्या करती है, गरबे के प्रोग्राम लेती है। अभी ये कोविड के माध्यम से भी देखो, कौन सा भी अति हो गया कि अति वहां माती रहती है और ये देखो अभी तो सब जगह दांडिया बंद है। कौन सा क्या करने का इसका सोच हमारे भगवान महावीर स्वामी ने कहा भी है, आरा जो बदल रहा है, आरे के बदल के हिसाब से ये जो संक्रमण हो रहा है, इसकी छोटी छोटी झलकियां इस कोविड के माध्यम से हमें दिखाई दे रही है। आदमी आदमी जैसा रहने के लिए ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम है। और बोलते ना, तुम कितने ही बड़े हो जाओ, आपने आकाश को छू लिया तो अपने पाँव अपने धरनी पे चाहिए, अपने धरती पे चाहिए, ये बताने का ये पर्व है। ये बड़े बड़े कंपनियां क्या करने लगी, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम लेने लगी और बड़े बड़े प्रोग्राम लेके पैसे कमाने हेतु वो काम करने लगी। ये काम करते हुए, ये पैसे कमाने हुए हेतु काम करते हुए बड़े बड़े कार्यक्रम लेते थे, सब साथ में आते थे, लड़के लड़कियां सब साथ में आके ये क्या कर रहे थे, एक तरफ दांडिया करते करते कहां से कहां चले जाते हैं ये समझ में नहीं आता, घट स्थापना करना दूर रहा, गरबा खेलना भी दूर रहा, दांडिया भी दूर रही। और आज दांडिया खेलने वालों को किसको पता है क्या साधना क्या होती है, क्या होता है ब्रह्मचर्य व्रत। हमारे भगवान महावीर ने जो कहा है कि ब्रह्मचर्य व्रत, अहिंसा व्रत, ये क्या है, ये इसका ज्यादा से ज्यादा इस नवरात्र में, मैं तो बोलती ये व्रत का उल्लंघन करने का काम ये नवरात्र में आज के लड़के और लड़कियां करते हैं। आज दांडिया खेलने वाले किसी को क्या पता कि ये पर्व क्या है, ब्रह्मचर्य व्रत क्या है और इस रीजन, इसका रीजन भी क्या है, ये क्यों करते हैं। हमारे माता का आशीर्वाद पाने हेतु, पवित्रम बनाने हेतु, हमारी साधना पवित्र बनाने हेतु ये पर्व आया है। ये पर्व भोग ऐश्वर्य के लिए नहीं आया, ये पर्व योग के लिए आया, ये नवरात्र पर्व हमें बताता है। ये मैं नहीं कहती, मैंने जो अब तक अबकारे पढ़ी, मैंने जो सर्वे किया, मेरे पास समुदेश को जो जो आते हैं, ये होने के बाद, ये पर्व होने के बाद, एक डेढ़ दो महीने के बाद क्या करूं मैम। अरे समाज विधियों को, कई सारे अन्य सामाजिक संस्थाओं की ये समय समय पर किया हुआ ये सर्वे है, मैं सुरेखा नहीं बता रही हूँ, ये खाली मैंने जो पढ़ा, मैंने जो देखा उसके बारे में ये सुनने के बाद रोमांच आते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं आंख पे। नवरात्र के एक दो महीने के बाद जो 10 महीने में गर्भपात नहीं होते, वो गर्भपात ये 2 महीने के बाद होते हैं, ये सोचने की बात है। कहां जा रहे हैं हम, कौन सा नवरात्र मना रहे हैं हम, भगवान महावीर की अहिंसा कहाँ गई हमारी, कहाँ गया ब्रह्मचर्य व्रत हमारा। और ये सब सोचने की बात है, हिंदू समाज और जैन समाज को कहने में अभी मैं कि सावध हो जाना बहुत जरूरी है। हर एक अपना अपना बराबर संभाल रहा है, ईसाई ईसाई का संभाल रहे, क्रिश्चियन क्रिश्चियन का संभाल रहे, सिंधी सिंधी का धर्म संभाल रहे,
कहां जा रहे हैं हम जैन और हम हिंदू लोग, ये सोचने की बहुत जरूरी है कि हजारों लाखों ये व्याभिचार नहीं तो क्या है, ये गर्भपात होना ये क्या है, कहां गई हमारी अहिंसा। अभी हमारे ताई ने बोला कि महात्मा गांधी का नाम निकाला तो कभी ये अहिंसा के माध्यम से हमारे देश को स्वतंत्र मिला दिया। कहां गए हम, कहां जा रहे हैं, कैसे नवरात्र मनाते थे हमारे बड़े लोग, हम अभी क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे बेटा बेटियां क्या करें, सोचने की बात है। ये आज का सब्जेक्ट तो बहुत ही अर्थपूर्ण है, एक हम कहां ही सोचने के लिए और हमें क्या करना चाहिए सोचने के लिए अलका जी ने और हमारे आनंद भाई जी ने रखा हुआ ये बहुत सुंदर सा सुनहरा प्रसंग उदाहरण रख के रखा हुआ एक सब्जेक्ट है। सुरेखा जी बोलो जी। सुरेखा जी इसमें हाँ? ये भी बताइए कि महिलाओं को नव रात्रि की जो देवियां है वो कैसी प्रथा होती है और ये कितनी इम्पोर्टेंट है कि महिलाओं को खुद को जागना जरूरी है, क्योंकि आज क्योंकि क्या है, आज सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अणुव्रत को मानते हैं, चरित्र को मानते हैं, परंतु आज यही तो भूल हो रही है ना, आपने जो कहा कि ये माया और मोह पाप के सारे मूल है, ये माया और मोह पाप के सारे मूल है, ये राग द्वेष आत्मा के शूल है, ये राग द्वेष आत्मा के शूल है, चरित्र जीवन के आगे बाकी सब कुछ धूल है, चरित्र जीवन के आगे बाकी सब धूल है, इसका किसी को नहीं मोल, यही तो बड़ी भूल है ना। तो थोड़ी देवियों के बारे में आप हिस्ट्री देवी की थोड़ा, क्योंकि अपने पास समय के चलते देवी को भी समझना जरूरी है और रावण को भी समझना, दो बातें हमें जानने जरूरी है, तो पहले आप थोड़ा देवी के बारे में इतिहास के बताइए और फिर अपन रावण के बारे में आपकी कविता के साथ जानना है, लोगों को प्रश्न पूछना है कि रावण क्या बोलता होगा वो भी पूछना है, तो और थोड़ा 5-10 मिनट का मंत्र भी लेना है, तो उस हिसाब से आप थोड़ा देवी का बता दीजिए। चलेगा ताई। अभी ये जो है ये हमने जो वास्तवता आपके सामने रखी है कि नवरात्र के 1-2 महीने के बाद जो समस्या समाज में खड़ी होती है वो देख के दिल फट जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये दुराचार है। तो हर के दशहरे के दिन रावण को जलाते हैं, लेकिन जीते जानते जीव को गर्भ से निकाल के उसको मार देना ये कितनी बड़ी बात है। हमारे घर में हम हमारे माता को, हमारे पत्नी को, हमारे बहन को इतना कुछ कि वो हमारा सब कुछ है, वो खड़ी नहीं रही तो कुछ नहीं कर सकते। जो सुबह उठती है, सुबह उठ से शाम तक हर एक काम करती है, तो हर एक देवी का रूप हमें उसमें दिखता है। जब वो रसोई बनाती है हम अन्नपूर्णा का नमन करते हैं, अन्नपूर्णा को मंदिर में जाके, लेकिन जिस अन्नपूर्णा ने घर में खाना बनाया सुबह से शाम तक खड़ी रही हमारे पोषण के लिए, वो जब प्यार से बनाती है और उसने कभी नमक ज्यादा हुआ, मिर्च कम हुई, तेल कम हुआ, तो हम हमारे घर में हमारे बच्चों के सामने कहते क्या खाना बनाया माँ, जरा उसको खाना बनाना सिखाओ। अरे जिसकी पीएचडी हो गई खाना बनाने में, वो अन्नपूर्णा पीएचडी बना दी, सुबह से शाम तक लगातार लगी रहती है। वो अन्नपूर्णा अपने घर में है, जब वो खाना बनाती है तब कभी कभी टेंशन में नमक ज्यादा होता है, कम होता है, मेरे भाई और बहनों ध्यान रखो, बनाया हुआ खाना बड़े प्यार से खाओ, नमक ना हुआ तो क्या हुआ। इसीलिए तो हमें एम्बिल ओली बनाई है भगवान ने कि अपने स्वाद पे अपने जीवा पे नियंत्रण रखने के लिए। तो इसीलिए हर एक के मन को देखना, जानना और जान के पहचानना ये बहुत बड़ी बात है। ये अन्नपूर्णा है पहले अलका जी ये पहले yes. तो माता क्या है, अन्नपूर्णा देवी है। वो अन्नपूर्णा देवी का तुम जब जब मत कोई बोलता है क्या तेरा मत्था घुटने में है क्या, ऐसी सवाल ऐसे घर घर में मैंने सुने हैं। अरे क्यों, उसको कुछ तो भी आत्मसम्मान है, रखो तुम उसका घुट में ना रहता ना मत्था, तो वो अपने बच्चों का स्टडी कभी नहीं ले सकती, वो सरस्वती कभी नहीं बना सकती, वो सरस्वती माँ है।
जिसकी हम आराधना करते हैं सरस्वती माँ की। सरस्वती का रूप धारण करके शिक्षा देने का काम माँ ही करती है, अपने बच्चों को सहाने का काम, सुधारने का काम, ज्ञान व्रत बनाने का काम अपनी माँ करती है। तो क्या कौन सी माता है? वो सरस्वती माता है जिसकी पूजन हम करते हैं। तीसरी बात जो हम बोलते हैं कि शिक्षण मंत्री, वो शिक्षण मंत्री है, वो शिक्षण मंत्री भी है, वो सरस्वती माता भी है। और ये माता जब सुबह से शाम तक वो काम करती है, काम करते वक्त हर एक का, जब अपने खर्च के लिए पैसे देती और घर चलाती है, और थोड़ा थोड़ा पैसा बाजू को रख के बराबर जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उस प्रॉब्लम के लिए वो जब पैसे निकाल के देती है ना, तो कौन होती है? अर्थमंत्री होती है। हमारी घर की अंतर अर्थमंत्री होती है। हम लक्ष्मी का पूजन करते हैं, करते हैं क्या लक्ष्मी का पूजन? अपने घर में ही लक्ष्मी है। वो जो लक्ष्मी अपने पैसे बचा के अपने परिवार के लिए, अपने श्रीमान जी के लिए समस्या हल करने के लिए उस पैसे का उपयोग करती है। जब दिवाली को हम किसकी आराधना करते हैं? हम किसकी आराधना करते हैं दिवाली को? लक्ष्मी जी, लक्ष्मी की आराधना करते हैं। हमारे घर में तो 24 घंटे वो लक्ष्मी काम कर रही है। उस लक्ष्मी की आराधना मत करो। लेकिन जो करते दो जानते हैं लेकिन मानते नहीं, जानते हैं लेकिन मानते नहीं, तो मेरा दिल से कहना है कि उसको मानो कि जो अन्नपूर्णा है, जो काम कर रही है, जो लक्ष्मी है और जो सरस्वती है, कि लक्ष्मी सरस्वती जो हाथ में हाथ डाल के चलते हैं ना, एक तो आते नहीं, जो लक्ष्मी और सरस्वती दोनों साथ में आते हैं तो अपने तो घर में वो साथ में रहती है, एक आत्मा में रहती है, इस आत्मा में सबका वास है। तो मुझे ये कहना है कि हम जब लड़की हो या लड़का, हमारे भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि अहिंसा का व्रत हमने स्वीकारा है, और हमने ये व्रत स्वीकारते हुए भी हम लड़की है इसका गर्भपात करते हैं। हमारे 9 दिन हम इसीलिए छोटे से प्याले में, मैंने क्या किया, एक दिन मोगरे के फूल लाके रखवा दिए, और बहुत सारे फूल थे, छोटी सी वो प्याली थी, लेकिन उस प्याली में मैंने रात को रखे, सुबह में देखे तो इतने सुंदर उमड़ फूल आए। ऐसी हमारी महिलाएं रहती है, थोड़ा सा तो भी उसको मिल गया तो उसको कैसा बढ़ाना इसका काम वो करती है। खाली पॉजिटिव थिंकिंग बहुत जरूरी है। पहले मैं तो कहना चाहती हूँ, जलाने के पहले, रावण को जलाने के पहले दिल में राम बसा लो, महावीर बसा लो, अंदर की मोह ममता माया और हटाने हेतु ये परवाया आई एम बिल बोली आ गई है। और ये कहते हुए बोलो जी, लक्ष्मी सरस्वती तो है ही महिला, आपने बताया तो बुराई का नाश करने के लिए दुर्गा का रूप भी तो औरती है। Why not sure? इसीलिए तो मैं आज इस मंच पे आ गई हूँ। हम दुर्गा बन सकते हैं, हम इसके बाद में दुर्गा बन के, महिषासुरमर्दिनी बन के, हम हर एक मोह माया, ये जो शत्रु है, शत्रु को अंदर से उठा के फेंक देंगे। लेकिन ये हमारी जो हमारे परीक्षा ध्यान कराने वाले हमारे महाप्रज्ञा जी हमारे साथ में रहेंगे, मंजूषी जी महाराज साहब हमारे साथ में रहेंगे, हमारे आचार्य शिव मुनि जी हमारे साथ में रहेंगे, हमारे युवाचार्य महेंद्र ऋषि जी हमारे साथ में रहेंगे, गुरु गुरु दीपक गुरु चांदनो गुरु बिन घोर अंधार, गुरु न पलक विसरू आपकी गुरु मुझ प्राण आधार। ये प्राण के आधार होने वाले जो गुरु है, वो गुरु हमारे साथ में रहे। हमारे भगवान महावीर का संदेश जो 36 अध्याय में दिया है, हम दिवाली के पर्व में उसको पढ़ते, पढ़ो मत, वो बढ़ाओ अपने शरीर में, हर एक रोम रोम में रखाओ, तो हर एक का निर्माण हुआ, ये मोह माया का जाल दूर हटाने हेतु ये बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। अहिंसा के मार्ग पे चलने वाला हिंदू समाज, हमारा जैन समाज, ये धर्म को संभालने के लिए, सवारने के लिए इस अनुचित प्रकार न घटने का ध्यान रखना, ये तुम्हारा हमारा बहुत बड़ा जिम्मा है।
इस आध्यात्मिक पर्वों को मनाते समय अनुचित प्रकार न गढ़े, हमारी साधना सुंदर हो, हमारा मन सुंदर हो, हमारा तन सुंदर हो, तो ये रखने का ध्यान, संस्कार और संस्कृति बढ़ाने का काम करना ये हमारा फर्ज है। कैसे बताओ गुरुदेव तुम हमारे लिए, कैसे बताओ गुरुदेव तुम हमारे लिए कौन हो, तुम बंदगी। अलका जी, अब आपने कहा रावण के बारे में भी हम जानेंगे, तो रावण को सभी बोलते हैं रावण बुरा था, रावण बुरा था, उसके अंदर जो अच्छाइयां थी उसके बारे में भी हमें जानना है। तो आप बोल रहे रावण की कविता सुनाएंगे, तो हम कविता के साथ रावण के बारे में जरूर सुनाएंगे, जरूर सुनाएंगे। ये चार पंक्तियां मैं गुरु के चरणों में समर्पित करती हूँ। कैसे बताओ गुरुदेव तुम हमारे लिए कौन हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, मन मीत हो, कैसे बताओ गुरुदेव तुम हमारे लिए कौन हो, तुम हमारे लिए कौन हो, तुम हमारे लिए कौन हो। अभी एक जो काव्य पंक्ति मैंने लिखी, मैंने अलका जी को भी भेजी है, मैं वो आपके सामने दोहराती हूँ। रावण जळत असताना रावणाने रागवून खैरांजलीकडे आणि गर्भ होणाऱ्या गर्भपाताकडे बघितलं। रावण जळत असताना रावणाने रागवून खैरांजलीकडे आणि गर्भपात होण्याकडे बघितलं। तपासा स्वतःला, चारित्र्याला, मोठ्यानं त्यानं विचारलं। अलकाजी बताओ आप। यस, हिंदी में बताऊंगी, पूरी कविता बोल दीजिए, मैं सार पूरी कविता आप बता दीजिए, मैं पूरी कविता का सार हिंदी में बता दूंगी। ओके ओके। केलाय मी गुन्हा सीतेचं अपहरण करण्याचा, अहो केलाय मी गुन्हा सीतेचं अपहरण करण्याचा, प्रयत्न केला नाही मर्यादाची सीमा ओलांडण्याचा। अहो दिवसा ढवळ्या रस्त्यावर अब्रूचे लटके तोडताना, सभ्यपणाचा आव दाखवताना, दरवर्षी तुम्ही मला जाळता। रावण जळत असताना रावणाने रागून पाहिलं आणि सांगितलं, तपासा स्वतःच्या चारित्र्याला। तुम्हा मानवापेक्षा राक्षस ठरलो भारी, कारण राक्षस हे क्या आहे, वंश आहे, ये राक्षस व मनुष्य ही थे, रावण एक मनुष्य ही थे, ये वंश है उसका, उस वंश में आए हुए ये है। तो वो बोल रहे हैं कि दिवसा ढवळ्या रस्त्यावर अब्रूचे लचके तोडतात, सभ्यतपणाचा आव दाखवून दर वर्षी मला जाळता, तुम्हा मानवापेक्षा राक्षस ठरलो भारी, केला नाही सीतेचा अपमान अहो माझ्या दारी। हुंड्याच्या लालसेपोटी आणि गर्भाच्या गर्भा खेळण्यापोटी किती गर्भ धारण केले आणि पाळले आणि हजारो सीता जाळ्या वंशाच्या दिवट्यासाठी। अहो गर्भात कळ्या मारल्या, काय सांगू तुम्हाला, गर्भात कळ्या मारल्या। हक्क नाही तुम्हाला मला बदनाम करण्याचा। प्रयत्न करा तुम्ही स्वतःच चारित्र्य सुधारण्याचा। तुमच्या समाधानासाठी दरवर्षी मला पेटवता आणि पेटवण्याआधी तुमच्यातील राम मला दाखवता, तर म्हणेल मी वा, तुमच्यामध्ये असणारा राम माझ्या अंतिम क्षणी सुद्धा श्वास सोडताना जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम म्हणणारा तो राम दाखवा तुमच्या मनामध्ये, तेव्हा समजेल खरोखरच मला तुम्ही नाही जाळत, तर माझ्या या कुप्रवृत्तीला जाळत आहात, मोह ममता मायाला सोडत आहात आणि अहिंसा सत्याची तुम्ही आराधना करत आहात। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत सुंदर। अभी आप बताइए, आपको मराठी तो समझ में नहीं आया होगा इतना, वो तो मैं हिंदी में बताने वाली हूँ,
सुचेता जी पूना से ही है तो उसको शायद समझ में आया होगा सुचेता जी को। पर अब ये बताओ कि राम क्या कहना चाहता है। अभी आप लोग बात करें, थोड़े अनम्यूट कर दीजिए, सबको बात करने दीजिए आनंद भाई जी। कि राम राव यस, हम तो चर्चा बात करते हैं तभी अच्छा लगता है। सार तो मैं बताऊंगी आपको हिंदी में, पर उसके पहले आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि रावण के मन में क्या आता होगा। चलिए बताइए सब, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, ऑप्शन दिया है आनंद भाई जी ने, तो फटाफट बोलिए, टाइम कम है, हमारे पास वक्त कम है, थोड़ा जाप भी करना है आज का, जरूरी है नौकार मंत्र। यस बोलो बोलो। मैं सुचेता गांधी पुणे से बोल रही हूँ। सुरेखा जी ने बहुत सुंदर अभी जो बताया रावण के बारे में, सही है, वो का भी अगले भविष्य काल में तीर्थंकर बनने वाले जैन पुराण में मैंने भी पढ़ा है, बहुत सही है। और जो उन्होंने कविता के माध्यम से बोला अभी, वो तो सही है, क्योंकि इतनी गलतियां करते हैं लोग और रावण को जलाते। अभी निर्भया का देखा हम लोगों ने, जो बस में हुआ था हत्याकांड, बलात्कार बहुत चल रहे हैं इससे, और ये लोग ही सब मिलके रावण को जलाते हैं। बहुत सुंदर कविता उन्होंने प्रस्तुत की, बहुत मार्मिक, बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर। चलिए चलिए और बताइए क्या कहना चाहता है संगीता। सरला जी बताइए, संगीता। रावण ही रावण को जलाता है। क्या बोल रावण, रावण दिल में क्या सोचता हूँ, रावण जलते सब, रावण सोचता उससे तो अच्छा, रावण सोचता मैं ही अच्छा हूँ इन लोगों से तो। बिल्कुल सही, बिल्कुल परफेक्ट। ये सर रावण तो सर्वगुण संपन्न थे, और अभी तो अगले भव में वो तो तीर्थंकर भी बनने वाले हैं। राम कहते थे कि मेरे से ज्यादा गुणी रावण है, पर उसकी कई कुछ गलतियां की वजह से वो नहीं, उन्होंने की ही नहीं है, गलती भी नहीं की, उन्होंने अपहरण किया लेकिन उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। हाँ, मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया उन्हें, स्त्री को वो भी तो गलत है ना, किसी की स्त्री को हरण करना, सच भी नहीं किया, गलत किया तो लेकिन उल्लंघन नहीं किया मर्यादा का। यस चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम देख रहे हैं कि कई बार न्यूज ऐसी आती है कि बाप ने बेटी पे बलात्कार किया। अभी कल परसों के न्यूज में भाई ने छोटी बहन पे बलात्कार किया। तो अब हम मुझे ये बताओ कि हम किसको, मतलब मैंने भी एक कविता लिखी है सुरेखा जी, मैंने उस कविता में यही कहा है कि एक बेटी है जो बलात्कार करके मारी गई है, जिसका खून हुआ है, वो स्वर्ग में बैठ के माँ को लेटर लिख रही है। ऐसी कल्पना करके मैंने कविता में यही प्रश्न पूछा है कि माँ तेरे से पहले मैं स्वर्ग में आई हूँ, तो मैं तुमसे बड़ी हो गई हूँ ना अनुभव से, तो मैं कुछ बातें तुमको बताना चाहती हूँ। बचपन में तुम हमको ये सब सिखाती थी ना, राम की कहानी सिखाती थी, 16 सतियों के नाम लेना बताती थी, तो मुझे ये बताओ माँ बचपन में तुमने हमें ये क्यों नहीं बताया, बचपन में तुमने हमको ये क्यों नहीं बताया कि भाई रावण तो एक ही था सीता के लिए, पर यहाँ कौन रावण बन के खड़ा होगा, बाप होगा कि भाई होगा पता ही नहीं है, तो कौन से रावण से मैं सावधान रहूं। और वहां तो रावण सीता को अग्नि परीक्षा के बाद जंगल में छोड़ दिया, तो एक साधु संत मिल गए और उन्होंने उसका रक्षण कर दिया। पर यहाँ अगर मेरे को छोड़ दिया तो बलात्कार के लिए लाइन लगेगी माँ, बलात्कार के लिए मेरे लिए लाइन लगेगी माँ, ये क्यों नहीं समझाया, कोई हमारा रक्षक नहीं होता। सुना है मैंने, वो कहती है सुना है मैंने कि मेरे याद में हर साल तू कवि सम्मेलन करती है, एक अच्छे कवि को पुरस्कार देती है, वांच कोई अच्छा सच्चा कवि नहीं है यहाँ। मैं बताती हूँ ये कवि सम्मेलन करने के बदले एक सुरक्षा का एक ट्रेनिंग सेंटर क्यों नहीं शुरू करती कि हर लड़कियों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो सुरेखा जी ने हमें बताया है कि जलते हुए रावण को, मैंने अपने शब्द में चेंज किया है उसको थोड़ा, जलते हुए रावण को मन में ये विचार आता है और वो कहता है मैंने तो गुनाह किया, केवल सीता का अपहरण किया, केवल सीता का अपहरण किया, पर मर्यादा नहीं छोड़ी, कोई बलात्कार नहीं किया, या तो दिन में रस्ते में छोटे भाई भी अपने छोटे बच्चों पर, बाप भी अपने बेटियों पर बलात्कार कर रहे हुए, और सभ्यता का मुखौटा पहनकर फिर मुझे दहन करने खड़े हो रहे हैं, फिर मेरा दहन करने खड़े हो रहे हैं।
मानव से तो राक्षस भारी अच्छे है, सीता का अपमान तो नहीं किया, वो आई दरवाजे पे तो उसको सुरक्षित तो रखा। अरे दहेज के लिए तुम कितने सीता को जला रहे हो, दहेज के लिए कितने सीता को जला रहे हो, और बेटा चाहिए इसके लिए कितने बेटियों को मार रहे हो, कितने बेटियों को पेट में ही मार रहे हो। अरे कोई हक नहीं है मुझे आपको मारने का, कोई हक नहीं मुझे अपने को मारने का, पहले प्रयत्न करो खुद को सुधारने का, पहले प्रयत्न करो खुद के सुधारने का। आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मुझे जलाते हो, आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मुझे जलाते हो, पर चरित्र किसका आगे है, सच्चा है, ये तो मुझे बताओ। और मेरे जीने से, मुझे मारने से पहले एक बार आपके दिल में जो राम है वो तो मुझे बताओ। तो किसके दिल में राम है आज? अंदर तो सबके दिल में खोट है, हर राक्षस ही है, वो राक्षस तो एक, इन्होंने बोला राक्षस तो एक जमात है, फिर भी हर एक के मन में कहीं ना कहीं राक्षस का अंश पड़ा हुआ है। तो आज हमें संकल्पना करनी है, आज हमें संकल्प करना है। विजयादशमी पे मिले हैं तो वासना से उपासना, भोग से योग, विराट से आराधना और राग से वैराग्य, न्यूनतम लेना और अधिकतम लेना, सहज शांति समाधि और आनंद की अनुभूति करना है, प्रकाश समस्त विश्व को हमें देना है, आओ मिलकर प्रेक्षा ध्यान करना है। वर्तमान के अशांति आतंकवादी विनाश का करागर खड़ा है ये विश्व, हर समस्या का समाधान प्रेक्षा ध्यान है, तो हमें क्या करना है। एक दिन नारद जब रावण के यहाँ गया तो रावण बड़ा खुश हो गया, उसको बोला आओ मेरी एक एक शालाएं दिखाता हूँ, ये देखिए मेरी ये शाला, ये मेरी पौषध शाला है, ये मेरी गोशाला है, और ये देखिए ये मेरी विज्ञान की शाला है। सारी शाला देखने के बाद नारद ने पूछा, इतनी सारी शाला है, आचरण की शाला कहाँ है, चरित्र की शाला कहाँ है? तो रावण बोला ये तो मेरे पास नहीं है। इसीलिए आज गुरुदेव तुलसी फरमाते थे कि एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है, एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है, पर एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। हिंदू हो या मुसलमान, पहले बनो अच्छे इंसान। इसीलिए अणुव्रत को अपनाना आज जरूरी है, और प्रेक्षा ध्यान करना बहुत जरूरी है। ये मंत्र साधना है, ये हमारे अंदर से बदल सकती है, और ये वीतराग की साधना है। वीतराग है वो राग द्वेष की साधना है। वैसे हम अगर ध्यान करोगे तो कषाय क्रोध मान माया, ये जो चित्त के अशुद्धि के मूल कारण है, वो सब निकल जाएंगे और चित्त शुद्ध हो जाएगा। और जब चित्त शुद्ध हो जाएगा तो मन निर्मल हो जाएगा, मन की समता से आनंद मिलेगा, एकाग्रता का अनुभव आएगा, आनंद का अनुभव आएगा। इसीलिए हमें प्रेक्षा ध्यान करना जरूरी है। तो आइए हमें 5 मिनट के लिए ध्यान करना है। तो उसके पहले सुरेखा जी, समय पूरा होता आ रहा है, तो किसी को कोई भी प्रश्न अगर सुरेखा जी से पूछने हैं तो पहले आप प्रश्न पूछ लीजिए, और उसके बाद हमारा उनका संदेश होगा और हम ध्यान करेंगे। 2-3 मिनट के लिए नौकार मंत्र का ध्यान करना है, तो प्लीज सुरेखा जी। हाँ पूछिए। सुरेखा जी को मैं जानती हूँ, पिंपरे गुरु में आते थे, प्रियाली कर्नावट की सास हूँ मैं। किसकी? प्रियाली कर्नावट, पिंपरे गुरु। अच्छा 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 हाँ अच्छा, आप आते थे हमारा साथ से जब करुणाश्री जी के टाइम पे। हाँ हाँ करुणाश्री जी, बराबर बराबर बराबर। आज यहाँ मौका मिला मुझे मिलने का आपको यहाँ मौका मिल गया। आज ये नासिक में रहती हूँ, पर पिंपरे गुरु में मेरा बेटा बहु है ना। हाँ 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 बराबर। मैं 2-3 महीने चले जाती हूँ वहाँ पे। अच्छा, बहुत बढ़िया। और कोई प्रश्न पूछना है? एनीवन वांट टू आस्क समथिंग टू? यस सर। जय श्री कृष्णा। आपने कहा कि नवरात्र में ब्रह्मचारी व्रत रखना चाहिए, लेकिन जीवन साथी का साथ भी तो जरूरी होता है उसके लिए। वो तो है। नहीं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। जब हम गुरु महाराज के साथ में रहेंगे, फुला सवे माती सगंध मराठी में कहा जाता है,
हम जब एक बात हर बार उनको बोलेंगे कहेंगे गुरु के सानिध्य में कहेंगे, कभी कभी हमसे नहीं सुनते, लेकिन जब उनको गुरु के सानिध्य में बार बार लेके जाएंगे तो बराबर मत परिवर्तन होता है। लेकिन वो जाते ही नहीं है ना सत्संग में। आपका जिम्मा है धर्म पत्नी, नाम ही हमें धर्म पत्नी दिया है, धर्म पत्नी। लेकिन हम लेके जाते हैं तो वो वहां पे सत्संग तो कम सुनते हैं, फोनों में लगे जाते हैं। बराबर है, लेकिन ये देखो हर एक को एक समस्या है, वो समस्या का हल, कुछ कुछ समस्या का हल अपने खुद को देखना चाहिए, सोचना चाहिए क्या करना चाहिए हमें, हमें इनका परिवर्तन करने के लिए क्या करना चाहिए। जब जब मंदिर में जाते हो, जब जब भगवान के पास जाते हो, जब जब गुरु महाराज के पास जाते हो, कभी भी जाओ तभी तभी, हम घर में भी रहे। अभी देखो मैंने कहा कि ये पर्व कैसा है, नवरात्रि का पर्व क्या है, ये तो ब्रह्मचर्य व्रत पालने के लिए, ये तो देवी की साधना जो मंत्र तंत्र है उसको उजारने के लिए है, ज्यादा से ज्यादा देवीतम के आशीर्वाद मिलाने के लिए ये पर्व है। इसमें पवित्रमता कैसी रखी जाए, फिर ब्रह्मचर्य व्रत हो, उपवास हो, एम्बिल हो, ये तप साधना करके तब जब अभी बोले कि अपने को जप करने का नवकार महामंत्र का, आज दशहरे का दिन है, ये छोटी छोटी बातों से परिवर्तन होता है, ये मेरा अनुभव। संगीता जी मैं एक बात बताना चाहूंगी, कभी हमसे काउंसलिंग कराओ, हम काउंसलिंग करेंगे ना तो मुझे विश्वास है कि एक बात करते करते हम उनको बता सकते हैं और वो उनको वही सच्चा लगेगा, क्योंकि कहते घर की मुर्गी दाल बराबर, अपनी कितनी भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी वाइफ हो और बाहर दुनिया में इंटरनेशनल मोटिवेटर हो, घर वाले उसको नहीं मानेंगे। इसलिए आप एक काम कीजिए, हमने सेंटर तो शुरू किया, आपको पता है समस्या समाधान केंद्र, तो इस बात उनसे हमें केवल काउंसलिंग यानी बातें करने के लिए बुलाओ, उनको ये मत पता ना आपको कोई नॉलेज देने वाले, बस एक गप्पे टप्पे करने से। तू क्या करती रहती है सवेरे सवेरे टाइम पास, बोलते मेरे को बोलते हो। हाँ बोल देता ना, एक दिन आप हमसे फोन से बात करवा दो, बोलना मेरी फ्रेंड से को बात करने पहले हम आपसे बात करेंगे, उनका स्वभाव नेचर वो क्या है जानेंगे। और इससे होता है, हमने कई लोगों को किया है, तो ये प्रयोग करने से हो जाएगा, वी विल ट्राई और डेफिनेटली उसका विश्वास आएगा। चलिए टाइम हमारा पूरा हो रहा है, तो चलिए हम सब लोगों को देखो, संगीता जी या सुचेता कोई भी हो, ध्यान रखो कि जीवन में फल पाने के लिए कर्म तो करना ही पड़ता है, जीवन में फल पाने के लिए कर्म तो करना ही पड़ता है। ईश्वर सिर्फ तकदीर देता है, रंग तो खुद को ही भरने पड़ते हैं, रंग तो खुद को ही भरने पड़ते हैं, क्योंकि हम लोगों में क्या है कि देखो हमें भगवान ने दिया कुछ है, देखो हिंसा भी अंदर है और अहिंसा भी अंदर है, राग भी अंदर है, द्वेष भी अंदर है और प्रेम भी अंदर है, ये सब बाहर निकालना कैसे है यही तो सीखना जरूरी है, यही तो हमें समझना जरूरी है कि ये सब अंदर कितने हमें तकलीफ देते हैं, कितने हमारे प्रॉब्लम करते हैं। तो हम समस्या का समाधान के लिए कभी किसी से बात करके भी काउंसलिंग कर सकते हैं। तो चलिए आइए आनंद भाई जी, मुझे लगता है अभी हम थोड़ा 2-5 मिनट के लिए एक नौकार मंत्र 5 बार लेंगे तो आज का अच्छा रहेगा, नहीं तो कार्यक्रम पूरा नहीं होगा। तो आइए सभी हम ध्यान के लिए तैयार बैठे, तीन बार ओंकार ले लीजिए। हाँ, 3 बार ओंकार लेंगे और उसके बाद में कार्य नहीं, मंत्र होने के बाद ओंकार करेंगे पूरा पूर्ण आहुति ओंकार। तो सभी तैयार हो जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी, जिस आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सकते हैं, शांत आनंद से बैठ सकते हैं और कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, ऐसे आसन स्थिति, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, कोशिश करे कोई विचार मन में ना आए, पर वो आते ही रहते उसकी ओर ध्यान न दे, मैं और मेरा श्वास केवल श्वास पे ध्यान दे, अपने आप को देखे,
ये पांच नौकार मंत्र हमारा जीवन बदल सकते हैं। पूरा का पूरा प्रयोग जो मंत्र का है वो बहुत उपयोगी है। इतना जानने के लिए हमें टाइम नहीं है, परंतु अपने चारों तरफ एक आभा मंडल होता है, अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। तो अच्छा बनाना वो अपने हाथ में, शब्द में अनंत शक्ति है। तो हम शब्द की ऐसी संयोजना जो भगवान ने दी हुई है हमारे पास, तो मंत्र साधना पर ध्यान रखना है। ये मंत्र शब्दात्मक होते हैं परंतु चित्त शक्ति है। इसके द्वारा अध्यात्म का जो आग्रहण होता है, अध्यात्म के द्वार खुल सकते हैं, व्यक्ति अंतर्मुखी बन सकता है, पूरा अध्यात्मवादी हो सकता है। तो सबसे पहले चित्त को मस्तिष्क के ऊपर चोटी पर ज्ञान केंद्र पर ले जाए। चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करें। ज्ञान केंद्र पर चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करे और कल्पना करे कि वहां अरहंत भगवान आ रहे, जिन्होंने चार कर्मों का, चार घृणघाती कर्मों को नष्ट किया है। ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप, इन चार और आठ प्रतिहार, इन बारह से सबसे जो सुशोभित है, ऐसे हमारे अरहंत भगवान की कल्पना करें श्वेत रंग में। और तीन बार नमो अरहंतानम बोलना है और तीन बार मानसिक जाप करना है। तो पूरा ध्यान ध्यान ज्ञान केंद्र पर, अरहंत भगवान और श्वेत रंग में दर्शन करते हुए एक साथ उच्चारण करें तीन बार, नमो अरहंतानम, नमो अरहंतानम, नमो अरहंतानम, तीन बार मन ही मन करे। चित्त को दोनों भ्रुकुटी के बीच में दर्शन केंद्र पर लाए। चमकते हुए अरुण रंग का साक्षात्कार करे, उगते हुए सूर्य का अरुण रंग का साक्षात्कार करे और आठों कर्म का नष्ट करने वाले और सिद्ध बने हुए सिद्ध भगवान को याद कीजिए। अंतर्दृष्टि से सिद्ध भगवान को देखते जाइए, चम चमते अरुण रंग में। तीन बार नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धान, मन ही मन तीन बार मानसिक जाप करे। चित्त को कंठ पे ले जाए, विशुद्धि केंद्र, थायराइड पैराथायराइड है यहाँ। चमकते हुए पीले रंग का साक्षात्कार करे और उच्चारण करे अभी अपने आचार्यों को आंखों के सामने लाते हुए, मन ही मन उनको दर्शन करते हुए तीन बार उच्चारण करे, नमो आयरियानम, नमो आयरियानम, नमो आयरियानम, मानसिक जाप करें। चित्त को हृदय पर आनंद केंद्र पर ले आए। चमकते हुए हरे रंग का साक्षात्कार करते हुए सभी उपासक को याद करते हुए तीन बार उच्चारण करे, नमो उच्छायण, नमो उच्छायण, नमो उच्छायण, मानसिक जाप करे। चित्त को शक्ति केंद्र पर, नीचे मूलाधार केंद्र है गुदद्वार के ऊपर, शक्ति केंद्र पर ले जाइए। चमकते नीले रंग का साक्षात्कार करते हुए विश्व में जितने भी साधु संत साध्वियां हैं उनके लिए हम प्रणाम करते हुए बोलेंगे, नमो लोये सबताहुनम, नमो लोये सबताहुनम, नमो लोये सबताहुनम, तीन बार मानसिक जाप करें। पूरा शरीर शिथिल, मन शांत, आनंद की अनुभूति और प्रसन्नता के साथ, पूरा ध्यान ललाट के बीच में
ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। श्वेत रंग का ध्यान करें, कल्पना करें आंखों के सामने पूर्णिमा का चांद उदित हो रहा है, उसकी श्वेत रश्मियां ललाट पर गिर रही है, पूरा ललाट श्वेत रंग से भर रहा है, चमचमता श्वेत रंग पूरे ललाट पे फैला हुआ है। कल्पना करें श्वेत रंग के परमाणु शरीर के भीतर ललाट के भीतर प्रवेश कर रहे हैं, पूरा शरीर श्वेत रंग से भर रहा है। पूर्णिमा के चांद क्या श्वेत रंग चारों तरफ बाहर फैला हुआ है, श्वेत रंग की श्वास भरे, पूरा शरीर श्वेत रंग से भर रहा है, आभा मंडल पूरा श्वेत रंग से भरा हुआ है, पवित्रता शांतता आनंद क्या अनुभूति। राग द्वेष निकल गए है, आवेश आवेग शांत हो रहे है, अपना सच में तेजा में सुखा, स्वयं का सत्य स्वयं खोजे, सबके साथ मैत्री का भाव रखे, दोनों हाथ जोड़े हृदय के पास स्थापित करें आनंद केंद्र पर, और एक साथ सब शरण सूत्र बोलेंगे, एक साथ सबको साथ में ही बोलना है। अरहंते शरण पवचा सिद्धे शरण पवचा साहु शरण पवचा केवली पन्नतम नमम शरण पवचा। वंदन आसन में आ सकते हो, वंदन आसन में आए, वंदे सच्चम करना है, श्वास भरे ऊपर वंदे और श्वास छोड़े तब नीचे झुकते हुए सच्चम, श्वास भरे वंदे सच्चम, श्वास भरते हुए सीधे वंदे सच्चम वंदे सच्चम। तीन बार ओंकार, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद है, चेहरा शांत है, इसी के पूरा होते ही वैसे ही आनंद भाई जी प्रार्थना करेंगे अपने लिए और अपने अंदर की सारी शक्ति बाहर निकालने के लिए। तो जिस स्थिति में ओंकार हो जाएगा उसी स्थिति में शांति से आगे की प्रार्थना कराएंगे आनंद भाई जी। तीन बार ओंकार एक साथ ही करते हैं, श्वास भरे प्रार्थना आनंद भाई जी मेरे साथ साथ सभी बोलेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ,
अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, भावनाओं के साथ हो, शांति। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं।